बड़वानी जिले में वर्षों से डूब प्रभावितों की लड़ाई लड़ रही नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज बड़ी संख्या में विस्थापितों ने शहर में प्रतिशोध रैली निकाली और सरकार को चेताया। सरकार डूब प्रभावितों की मांगे पूरी कर अन्यथा नर्मदा बचाओ आंदोलन पर बड़ा आंदोलन करेगा। NBA के राहुल यादव ने बताया कि सरकार किसान अध्यादेश लाई है जिसे तुरंत हटाना चाहिए, साथ ही सरदार सरोवर बांध के गेट खुले रखे जाए और जो डूब प्रभावित है उनकी शेष मांगों का निराकरण करें, अन्यथा अब बड़ा आंदोलन होगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आंदोलन हो रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे आज हम प्रतिशोध रैली निकाली, सरकार हमारे लिए कुछ काम नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, कुछ भी देख नहीं रही डूब क्षेत्र में, तो इसलिए आज उनका सरकार के खिलाफ प्रतिशोध रैली निकाली गई और हमारी बात रखने के लिए हमने रैली निकाली गई है। सरकार जो बोलती सोशल डिस्टेंस पालन कर, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काली पट्टी नाक और मुंह पे काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाओगे और क्या मांगे? कार्य प्रतिशोध रैली का नाम है और इसका उद्देश्य ये है कि सदस्यों के गेट खुले रखे जाए और किसानों के जो अध्यादेश ला रहे हैं, किसानों के जो अध्यादेश ला रहे हैं उसको वापस हटाया जाए। सरकार मांगे संपूर्ण नहीं हुई तो क्या किया जाएगा? आंदोलन संघर्ष करेगा और भी तेज लड़ेगा। जलस्तर बढ़ रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण हमारे दो जगह क्रमिक आंसन चल रहे हैं, आवलदा और पिछोड़ी में आज भी पानी में डटे हुए लोग हैं। आगे भी आंदोलन तेज रहेगा और गतिविधियां चलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।